दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2024 एडिशन के बारे में। दोस्तों मारुति सुजुकी की नई कार स्विफ्ट 2024 में बलेनो फेसलिफ्ट के हेडअप डिस्प्ले और 9 इंच टच स्क्रीन फीचर्स दिए जा सकते हैं और बाजार में इसका मुकाबला ह्यूंडई ग्रैंड i10 नियोस से होगा। दोस्तों आज की वीडियो में ये सारी डिटेल हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को जरा स्किप मत कीजिएगा और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों लाखों दिलों की धड़कन कही जाने वाली मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार एक बार फिर भारतीय कार बाजार में आने को तैयार है और ये इसकी फोर्थ जनरेशन है। दोस्तों इससे पहले कंपनी ने इसकी 3 जनरेशन को बाजार में बेच चुकी है और संभावना जाहिर की जा रही है कि मारुति सुजुकी इंडिया अपनी नई स्विफ्ट कार को 15 अप्रैल 2024 को बाजार में लॉन्च कर सकती है और उम्मीद ये भी की जा रही है कि बाजार में आने के बाद इसकी एक शोरूम प्राइस 6 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। दोस्तों कंपनी ने इसे ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है और अब भारत में इसकी टेस्टिंग चल रही है। तो आइए जानते हैं कि कैसी हो सकती है आने वाली लाखों दिलों की धड़कन कही जाने वाली मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार 2024 एडिशन के बारे में। दोस्तों कुछ रिपोर्ट के अनुसार मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2024 इसके मौजूदा मॉडल की तरह ही 1.2 लीटर डुअल जेट पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है जो 90 PS की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है और इस इंजन के साथ इस बार माइल्ड हाइब्रिड सेटअप भी दिया जा सकता है। दोस्तों इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स जोड़ा जा सकता है और इसके अलावा मारुति सुजुकी इंडिया इस कार को CNG वेरिएंट में भी उतार सकती है, इसलिए उसने इसमें माइल्ड हाइब्रिड सेटअप भी दिया है। दोस्तों मारुति सुजुकी की नई कार स्विफ्ट 2024 बलेनो फेसलिफ्ट के हेडअप डिस्प्ले और 9 इंच टच स्क्रीन फीचर्स दिए जा सकते हैं और इसके अलावा इसमें पहले की तरह क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक AC और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी फीचर्स भी मिल सकते हैं। दोस्तों सवारियों की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, एडास टेक्नोलॉजी और ISO फिक्स चाइल्ड सीट फीचर्स दिए जा सकते हैं और बाजार में इसका मुकाबला ह्यूंडई ग्रैंड i10 नियोस से होगा।